हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बेसन के एक बैटर से 6 अलग अलग तरह के पकौड़े। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैटर बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया है और ये एक बड़ा बाउल बेसन लिया है, क्योंकि हमें 6 तरह के पकौड़े बनाने हैं इसलिए हमारे बेसन की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा बेसन साइड रख देती हूँ, बाद में हम ऐड कर लेंगे ज़रूरत लगेगी। अभी इतना ही बेसन मैं यूज़ करती हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से जैसे कि कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। इसमें मैंने डाल दिया अजवाइन। अजवाइन डालने से बेसन बादी नहीं करता है, मतलब पेट में जैसे कई लोग कहते हैं कि बादी हो गई, वो नहीं करता है, इसलिए हमने ये आज अजवाइन डाल दिया। इसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी डाल के इसका एक पेस्ट जो है वो बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। नॉर्मल जैसे हम पकौड़े बनाते हैं, अगर भी नहीं पता तो अभी मैं आप देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी पतली गाढ़ी रखनी है। इस टाइप की आपको कंसिस्टेंसी रखनी होती है। इसमें मैं एक स्पून ऑयल डाल देती हूँ, इससे एकदम चिकनाहट हमारे ये जो पेस्ट में है आ जाए और ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमारे पकौड़े जो हैं बनकर आएँ। अभी हमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो थोड़ा सा पानी और मैंने ऐड कर दिया है और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, इतनी कंसिस्टेंसी हमें रखनी होती है। अब हम सबसे पहले तरह के पकौड़े बनाने हैं, जो है हमारे मसाला मिर्च के पकौड़े। तो इसके लिए हमने ये नॉर्मल हरी मिर्च ली है, इसको मैंने बीच में से चीर लिया है। इसे कट लगाते हुए इस तरीके से खोलते हुए चीर के मैं रख लेती हूँ। सारी मिर्चों को इसी तरीके से मैं रख लेती हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर के बीज भी निकाल सकते हैं, मैंने नहीं निकाले हैं। ज़रूरी नहीं है आप निकालना चाहें, आप अगर कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो बीज निकालें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। सारी मिर्च को इसी तरीके से चीर के रख लेते हैं। ये सारी मिर्च चीर गई है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक बाउल लेना है, उसमें हमने नमक डाला है, अमचूर पाउडर डाला है, ये हमने लगभग 1.5 स्पून डाला है, धनिया पाउडर डाला है 1/2 से 3/4 स्पून और इसे मिक्स कर दिया है। बस 3 मसाले का हमें इसका पाउडर बनाना है, क्योंकि हम लाल मिर्च इसलिए नहीं डालेंगे, हम हरी मिर्च पहले ही यूज़ कर रहे हैं जो बहुत चटपटी होती है। ज़्यादा मसाले हमने और डाले नहीं है, बस 3 मसालों से हमने इसका मसाला बना लिया है। इसको मैं अब अंदर अच्छी तरीके से फिल कर देती हूँ। सारी मिर्चों को इसी तरीके से मैं फिल कर लेती हूँ। ये देखिए, सारी मिर्च हमारी इसी तरीके से फिल हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर मैंने ऑयल जो है सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दिया है। ये पकौड़े हम सरसों के तेल में बनाने वाले हैं। अब जो बैटर है, जैसे कि हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे, तो इसमें मैं डाल देती हूँ बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा के ऊपर थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे मिक्स कर लेती हूँ। पकौड़े आप जब बनाने जाएँ तभी इसमें बेकिंग सोडा डालें, पहले नहीं डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये पकौड़े हमारे तैयार है बिल्कुल बैटर। इसमें हम एक एक करके मिर्च को डिप करेंगे अच्छी तरीके से और ऑयल में ले जाके डाल देंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तभी आप डालें, वरना आपके पकौड़े ढंग से नहीं बनेंगे, वो तेल भी पी सकते हैं, इसलिए तेज गर्म ऑयल में ही आप डालें। बस आप एक बार तेज गर्म ऑयल में डाल दीजिए, जैसे कि आप देखिए ये हल्की हल्की सिक गई हैं, आपने एक बार पलट दिया है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। तो गैस को आप मीडियम या सिम करके भी डीप फ्राई कर सकते हैं, ताकि ये हमारे पकौड़े और ज़्यादा क्रिस्पी बनकर आएँ। अब हमारे पकौड़े जो हैं, जैसे आपने देखा कि बिल्कुल सिक गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया, अच्छी तरीके से डीप फ्राई हो गए हैं, तो इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमारे ये मिर्च के पकौड़े, हमारे फर्स्ट टाइप के बेसन के बैटर के पकौड़े बिल्कुल बनकर तैयार हैं। अब हम दूसरी टाइप के पकौड़े बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये मैश किए हुए उबले आलू लिए हैं, अच्छी तरीके से मैश कर लिए। अगर आपको अभी भी कोई गुठलियाँ दिख रही हैं तो उसे और मैश कर लीजिए। इसमें अब हम पहले मसाले डालते हैं। तो स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, फिर मैंने इसमें डाल दिया है अमचूर पाउडर, गरम मसाला डाल देती हूँ, धनिया पाउडर डाल देती हूँ। ये सब डालने के बाद इसे खूब अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरीके से सारे आलू को। स्टफिंग अपनी जो है, मतलब अपना ये जो मिश्रण है वो बना कर तैयार कर लेती हूँ। ये आपको लग रहा होगा मैंने आलू ज़्यादा लिए, तो मैंने ये मैं 2 पकौड़ों की तैयारी की, अभी आप देखते जाइए। अब हम मैं इसमें से छोटी छोटी बॉल्स लेती हूँ, छोटा छोटा पार्ट लेती हूँ और इनकी बॉल्स बना के रखती जाती हूँ एक प्लेट में। छोटी ज़्यादा बड़ी नहीं, नॉर्मल जैसे कि आप कह सकते हैं एक नींबू के साइज़ की बॉल्स बना के रखती जाती हूँ मैं। इसी तरीके से सारे हम मिश्रण की नहीं बनाएंगे, हमने मतलब थोड़ी सी बनाएंगे, अभी ज़्यादा पकौड़े नहीं बना रहे, अब बाकी के भी हम साइड रख देंगे, क्योंकि हम आगे के पकौड़ों में उसको भी यूज़ करने वाले हैं, तो उसको भी साइड रख देंगे। और इन बॉल्स को ही बेसन के जो बैटर है उसमें डिप करेंगे, अच्छी तरीके से डिप करके एक स्पून की मदद से इन्हें ऑयल में, गर्म ऑयल में
छोड़ते जाएंगे। इस तरीके से हमारे ये जो दूसरे टाइप के पकौड़े हैं ना वो बन के आते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पकौड़े हो, तो एक बार आप अगर ये ट्राई कर लेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाओ, ये हमें पहले क्यों नहीं पता था, इतने टेस्टी हमारे ये पकौड़े बन के आने वाले हैं। इस तरीके से इसे हम पलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। जब आपके एकदम डीप फ्राई हो जाए, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारे दूसरे टाइप के हो गए। अब हम अपने तीसरे टाइप के बनाना शुरू करेंगे। तो तीसरे टाइप के पकौड़े बनाने के लिए हमने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले हमने लिए ब्रेड। तो ये हमने ब्रेड ले ली है, इसको हमने एक बड़े प्लेट में निकाल लिया, दो ब्रेड लिए। अब इस पे हम क्या करते हैं, जैसे एक ब्रेड पे हम लगा लेंगे टमाटो सॉस। अब हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा, और दूसरे पे हम लगा लेंगे ग्रीन चटनी, और इसको चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। अब ये जो मैंने मिश्रण पहले अभी इससे पहले वाले पकौड़े में बनाया था, वही मिश्रण मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दोनों का एक ही था तो मैंने एक ही बार बना लिया, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को मैं एक ब्रेड के ऊपर चारों तरफ फैला लेती हूँ और दूसरी ब्रेड से इसे कवर कर देती हूँ। ये बिल्कुल हमारा तैयार है। अब इसको एक बार कट कर लेती हूँ मैं बीच से, और आप ब्रेड के ऊपर दोनों ब्रेड पर सॉस लगाना चाहते हैं, दोनों ब्रेड पर चटनी लगाना चाहते हैं, वो आपकी ऑप्शनल रहती है। ये बिल्कुल तैयार हो गई है। ऐसे ही मैं दूसरे पकौड़े भी तैयार कर देती हूँ। ज़्यादा नहीं बना रहे हम, दो दो तीन तीन ही बना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा भी हमें इतनी सारी तरह के बना रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाए हैं। ये बैटर तो हमारा पहले से ही तैयार है। तो इसमें क्या करती हूँ, मैं एक एक पीस ये जो ब्रेड का है वो डिप करती हूँ चारों तरफ से अच्छी तरीके से, और इसे ले जा के ऑयल में डाल देती हूँ। ऑयल जैसे ही हमने गर्म ही करके रखा था, सावधानी से डालें, क्योंकि जैसे अगर गर्मियों का मौसम है तो ऑयल वैसे ही ऑलरेडी तक गर्म होता है, तो आप आसानी से मतलब सावधानी से डालें। और इसे अब मैं पलट पलट के डीप फ्राई कर लेती हूँ। गैस को मीडियम गैस पे ही डीप फ्राई करें, ताकि ये क्रिस्पी बन के आते हैं, बिल्कुल अंदर तक सिक कर आते हैं। इन्हें भी मैंने पलट पलट के बिल्कुल अच्छी तरीके से डीप फ्राई कर लिया है। अब इन्हें प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। इस तरीके से हमारे ये तीसरे टाइप के पकौड़े भी बिल्कुल तैयार है, इसको भी सर्व करते हैं। अब हम चौथे टाइप के पकौड़े बनाएंगे। जैसे कि हमारा बेसन कम हो गया है, तो उसमें अब हम बाकी बचा बेसन भी डाल देते हैं। अभी इसमें थोड़े से हम क्या करेंगे, और मसालेदार पकौड़े बनाएंगे। तो और मसालेदार पकौड़े बनाने के लिए हमने और मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि नमक डाल दिया, लाल मिर्च डाल दिया और अजवाइन डाल दिया। ये हमने पहले भी डाली थी, अब इसमें और डालते हैं हम। जैसे कि हमने हींग डाल दी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिया है, और ये हमने डाली है बारीक कट की हुई हरी मिर्च, कद्दूकस की हुई अदरक इसमें डाल देते हैं। इसके बाद ये कसूरी मेथी इसमें मैंने डाल दी है। थोड़े इस पर चटपटे और मसालेदार पकौड़े बनाने वाले हैं हम। एक स्पून ऑयल डाल दिया है, अब इसका भी हम बैटर बना लेते हैं पानी डालते हुए। तो आप ऐसे भी पकौड़े बना सकते हैं, उन पकौड़ों को भी इस बैटर के साथ, मसालेदार बैटर के साथ बना सकते हैं, नहीं तो उन पकौड़ों को नॉर्मली भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मिर्च का पकौड़ा हमने भी बनाया था, तो इसलिए हमने ज़्यादा मिर्च उसमें नहीं डाली थी। इसमें मैंने बेकिंग सोडा भी डाल दिया है, और बेकिंग सोडे को भी डाल के पानी डाल के ऊपर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि हम अब डायरेक्ट पकौड़े ही बनाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी डाल दिया है। इसे मैंने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैंने ये कच्चे आलू को गोल गोल कट करके रखा है, छील के गोल गोल पतला पतला कट करके रखा है। ये बैटर हमारा जब तैयार हो ही चुका है, तो अब हम अपने पकौड़े बनाएंगे। हम बनाएंगे सिंपल आलू के पकौड़े। बरसात का मौसम है, और सिंपल आलू के पकौड़े तो भाई बरसात के मौसम में बस गर्मा गर्म पकौड़े और एक कप चाय मिल जाए तो कहने ही क्या होते हैं, है ना। इसी बात पे एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको भी अगर बरसात के मौसम में पकौड़े और चाय खाना पसंद है तो। अब इन्हें भी हम डीप फ्राई कर लेते हैं, पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं इन पकौड़ों को। जैसे ही ये पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो जाए, मीडियम गैस पे ही डीप फ्राई करें एक बार तेज गैस पे डालने के बाद, और इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारे चौथे टाइप के पकौड़े भी बिल्कुल तैयार है, आलू के बेसन के पकौड़े। ये हमने लिया है पम्पकिन, यानी कि काशी फल। काशी फल को भी हमने छील के ऐसे लंबे लंबे पतला पतला कट कर लिया है। अब हम बनाएंगे इसके पकौड़े। आप सोचोगे काशी फल के पकौड़े, हाँ जी, एक बार आप ट्राई कर लेंगे ना तो बस मज़ा ही आ जाएगा। काशी फल के पकौड़े इतने यम होते हैं ना, पहले मेरे को भी पता है बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन जब से मैंने एक बार खाए हैं तो बस आलू के पकौड़ों से अच्छे मुझे ये काशी फल के पकौड़े लगते हैं। तो एक बार मेरे कहने से इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अभी तो हमारा एक लास्ट स्पेशल वेजिटेबल पकौड़ा रह गया है, उसे आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो तो हमारा स्पेशल है आज का पकौड़ों में, छह पकौड़ों में।
तो इन्हें भी अब हम पलट पलट के डीप फ्राई कर लेते हैं। उसी तरीके से हमें इन्हें डीप फ्राई करना है तेज गर्म गैस पर डालने के बाद गैस को सिम करके। और ये हम सारे डीप फ्राई कर लेते हैं। ये भी हमारे सारे डीप फ्राई हो गए हैं, कलर बिल्कुल चेंज हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इनको भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारे ये पांचवा तरह का पकौड़े भी बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। इनको भी अब हम साइड से रख देते हैं। अब हम अपने लास्ट तरीके के पकौड़े करेंगे और इसमें क्या होगा, आपका ये सारा बैटर यूज़ हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका बैटर बचा इसमें सारे ही चल जाएगा। इसमें हमने लिए बहुत सारी सब्जियाँ जैसे कि कटकी हुई गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च, आलू, पत्ता गोभी और ये क्या कहते हैं ग्रीन पीस यानी कि हरी मटर। आप चाहें इसमें प्याज भी ले सकते हैं अगर आपके घर में प्याज खाते हैं। हम प्याज नहीं खाते, इसमें मैंने प्याज यूज़ नहीं किया। और अगर आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो आप रहने भी दे सकते हैं। और इन सब सब्जी को डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये सबसे टेस्टी पकौड़े बनते हैं। मतलब छह पकौड़े वैसे बढ़िया हैं लेकिन मेरा फेवरेट है ये। इन्हें आप हाथों की मदद से ही इस कढ़ाई में छोड़िए क्योंकि इससे छोटे छोटे आएंगे। आप स्पून से भी छोड़ सकते हैं अगर बड़े बड़े छोड़ना चाहते हैं। तो गैस को एक बार सिम तेज गैस पर तेज गर्म ऑयल में इन्हें डाल दीजिए। फिर गैस को मीडियम करके इन्हें डीप फ्राई कर दीजिए ताकि अंदर तक इसकी सारी सब्जियाँ भी एकदम क्रिस्पी हो जाएँ, पक्के आ जाएँ, सिक जाएँ। और पलट पलट के इन्हें डीप फ्राई कर लीजिए। डीप फ्राई हो गए, इन्हें प्लेट में निकाल लीजिए। ये बहुत ही यम पकौड़े हैं। सबसे बड़ी बात इसमें सारा आपका बैटर भी बिल्कुल नहीं बचता है। और आप कोई गेस्ट आ रहे हैं उन्हें भी सर्व कीजिए। मतलब बहुत मज़ेदार पकौड़े हैं। ये भी हमारे तैयार हैं। अब हमारे ये छह तरीके के पकौड़े तैयार हो गए हैं। मसाला मिर्च पकौड़ा, आलू बंडा पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, आलू पकौड़ा, काशीफल पकौड़ा और हमारा मिक्स वेज पकौड़ा। तो कौन सा पकौड़ा आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके फेवरेट पकौड़ा इसमें से कौन सा है वो भी बताइएगा। जाते जाते मेरी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट उसे कर दीजिए सब्सक्राइब। कहने की बात ही नहीं है क्योंकि मैं ऐसी ही रेसिपीज आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। उसके पास जब बेल आइकन आता है इसको भी ज़रूर कीजिएगा प्रेस। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।